हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और आज उसके पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे द इम्पीरियल ऑफिशियल्स के बारे में, कि जो उनके किंगडम में ऑफिशियल्स थे, जो सारा काम करते थे किंग के जो नीचे रहते थे, उनका उनका कैसा रोल था और वो कौन से टाइप्स के होते थे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो किंग था वो सुप्रीम लीडर था, किंग के ऊपर कुछ भी नहीं था, किंग ही था जो सबको ऑर्डर देता था एंड सभी को उसके ऑर्डर्स जो हैं मानने होते थे। किंग के जो उससे बड़ी पावर कोई भी नहीं थी, किंग ही सबका रूलर था। उसके बाद किंग की नोबिलिटी होती थी, नोबिलिटी मतलब जो उसकी काम करती थी, एंड इसमें कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफिसर होते थे। एंड किंग ने जो डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स के ऑफिसर्स जो हैं अपॉइंट किए हुए थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, ताकि कोई भी चैलेंज ना कर पाए किसी भी पोजीशन को किंग के सामने, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिशियल कॉप्स थे, उसको गुलदस्ता बोला जाता था, मतलब जो बुके है, एक तरह का किंगडम का एक बुके है, गुलदस्ता है, जिसमें सारे जो हैं नॉबल्स इकट्ठे हुए हैं। देन तुरानीज एंड ईरानियन नॉबल्स को भी अपॉइंट किया जाता था, जो तुरंस होते थे एंड जो ईरान्स के लोग होते थे उनको भी अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद हमारे पास जो दो रूलर्स आए इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, जो कि 1560 के बाद हुआ, एक तो थे राजपूत एंड थे एक थे शेख हजार, जो कि इंडियन मुस्लिम्स थे। तो जो राजपूत थे उनकी डॉटर जो थी जोधा, उनकी मैरिज हुई थी अकबर के साथ, एंड ये जो डॉटर किनकी थी, ये थी डॉटर राजा भरमाल ख्वाचा ऑफ अंबेर, अंबेर की ये थी, एंड इनकी जो मैरिज हुई थी अकबर के साथ हुई थी। एंड एक अकबर के इंडियन ओरिजिन का बंदा रखा हुआ था, जो कि राजा टोडरमल, जो कि एक खत्री थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद है कि ऑल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्ड मनसब रैंक्स, एंड इस रैंक्स को बोला जाता था मनसब, जो ऑफिशियल्स होते थे उनको मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। एंड इनमें दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस होती थी, कि इन जो इनकी जो रैंक्स होती थी उनको दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस के ऊपर डिसाइड किया जाता था। पहला था जत, ठीक है, ये थी पोजीशन इन इम्पीरियल हायरार्की एंड सैलरी, कि उनकी जो इम्पीरियल हायरार्की थी उसमें क्या पोजीशन उनकी है एंड उनको सैलरी कितनी मिलती थी। एंड सेकेंड जो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन थी वो थी सवर, इसमें नंबर ऑफ हॉर्समैन उनको मेंटेन करने होते थे, कि ये उनकी पोजीशन को डिपिक्ट करेगा। देन उसके बाद एक पटिशन होती थी जिसका नाम था तजवीज़, ये तजवीज़ एक पटिशन मतलब एक रिक्वेस्ट की तरह थी, ठीक है, जिस किसी ने भी सर्विस में किंग की सर्विस में जुड़ना होता था, ठीक है, वो क्या करता था, अपनी पटिशन देता था थ्रू अ नॉबल, वो नॉबल किंग को बताता था कि किन किन की रिक्वेस्ट आई है, एंड इसी पटिशन को बोलते थे तजवीज़। उसके बाद एक अलग ही पोजीशन थी मीर बख्शी जो थे वो पे मास्टर जनरल थे, ठीक है, एंड ये राइट पे खड़ते थे एम्परर के पास एंड सभी बताते थे कि कौन कौन सी पिटीशंस आई हुई हैं। देन उसके बाद है दीवाने आला थे फाइनेंस मिनिस्टर, सारे जो मनी रिकॉर्ड्स हैं ये अपने पास रखते थे। उसके बाद है सदर उस सुदर, ये इनको मदद ए मार्श भी बोलते थे एंड ये काजीज अपॉइंट करते थे, ठीक है, काजीज मतलब जो लोकल ऐसे लोकल काम करते थे उनको बोलते थे काजीज। उसके बाद है वाकिया नवीस, ठीक है, एंड ये कोर्ट राइटर्स होते थे, जो कोर्ट में लिखते थे उसको बोलते थे वकिया नवीस। उसके बाद वकील होते थे जो कि एजेंट्स की तरह थे नॉबल्स के, एंड ये रिकॉर्ड रखते थे प्रोसीडिंग्स का, जो भी कुछ कोर्ट में हुआ है उसके रिकॉर्ड जो है वो ये वकील रखते थे। एंड ये वेरियस तरीके की जो है इनमें एक जो इनकी फाइल होती थी उनमें वेरियस तरीके की चीज़ें लिखी होती थी, एंड उसकी हेडिंग क्या होती थी, अकबरात ई दरबारी मुआला, मतलब एक अखबार है उसमें दरबार में मुआला सब लिखा होता था उसमें, एंड उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती थी, अटेंडेंस होती थी, ग्रांट ऑफ ऑफिशियल्स टाइटल्स, ठीक है, अटेंडेंस जो भी कोर्ट में है लोग उनके अटेंडेंस होती थी, कौन से टाइटल्स हैं, कौन से ऑफिशियल्स हैं, ग्रांट को ग्रांट मिली है कौन से ऑफिसर्स को, उनके मिशंस क्या हैं, ठीक है, प्रेजेंट्स क्या रिसीव हुए हैं, एंड इंक्वायरीज किसी हेल्थ की, अगर किसी भी मिनिस्टर की इंक्वायरी करनी होती थी हेल्थ के बारे में तो किसी भी मिनिस्टर की हेल्थ के बारे में इंक्वायरी करनी होती थी तो वो सब कुछ इसके अंदर होता था। आगे हमारे पास प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो थे हमने पढ़े थे ये थे सेंटर में, मतलब जो किंग के पास रहते थे, एक प्रोविंसेस में जो किंगडम था डिफरेंट प्रोविंसेस में बांटा गया था, उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जो प्रोविंसेस थे उसको सूबास बोला जाता था, जिसको ये प्रोविंसेस होते थे, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था, एंड इसको गवर्न कौन करता था, सूबेदार, उसको गवर्नर बोलते थे, मतलब सबको इस एक सूबे को एक सूबेदार मिला होता था। उसके बाद इनमें सबॉर्डिनेट्स जो होते थे जो सूबे में काम करते थे वो थे दीवान, बख्शी एंड सदर। उसके बाद फौजदार
फौजदार्स एक कमांडेंट्स की तरह होते थे जिनके पास हैवी कैवेलरी एंड मस्केटियर्स होती थी। कैवेलरी मतलब जो हॉर्समैन होते हैं एंड मस्केटियर्स मतलब जो योद्धा होते हैं। तो ये फौजदार ही हैं, ये सूबे में रहते थे। उसके बाद परगना होते थे सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का भी एक सब पार्ट होता था। एंड इसमें 3 हेरिडिटरी ऑफिसर्स काम करते थे जो थे क्वानगो, कीपर ऑफ द रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, चौधरी रिवेन्यू कलेक्शन जो रिवेन्यू कलेक्शन करते थे लोगों से, एंड काजी। उसके बाद कॉमन स्टाफ जो कि हर तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते थे, जैसे कि क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ मतलब ये नहीं कि वहाँ पे मशीन्स ऑपरेट करते थे, टेक्निकल स्टाफ मतलब जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते थे, उनका ध्यान रखते थे, वो होते थे टेक्निकल स्टाफ। लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्ट्स जो थे बहुत ज़्यादा, मतलब किंग जो है वो सुप्रीम माना जाता था, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे बिटवीन लोकल मैग्नेट्स, जमींदार्स एंड किंग। लोकल मैग्नेट्स मतलब जो किसी भी लोकल रह के कोई पोजीशन को होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं लोकल मैग्नेट्स, जमींदार्स एंड किंग। लेकिन किंग के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स तो अराइज होती ही रहती थी। ठीक है, इसके बाद हमारा बस एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।